पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे ही इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात आती है, बहुत सारे लोगों को पसीने छूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या करूं। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं आपको 7 ऐसे टिप्स जो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जिसको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जिसको बहुत सारे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना होता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, वो है प्रेजेंटेशन, एंड दैट टू थ्रू पावर पॉइंट एंड सिमिलर थिंग्स। और ये सब बहुत बार मैंने देखा कि लोग ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिस कैन रियली चेंज योर बिजनेस, दिस कैन रियली चेंज योर ट्रैजेक्टरी। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है वो 7 ऐसे टिप्स जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, चूजिंग रेलेवेंट विजुअल्स। मैंने बहुत बार देखा है जब आप लोग प्रेजेंट करने जाते हैं, उस स्लाइड के अंदर 40 लाइनें लिखी हुई हैं बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में, एंड पीपल आर रियली टायर्ड, पीपल आर रियली डिस्गस्टेड विद व्हाट इज रिटन। पावर पॉइंट इज अ विजुअल एड। पावर पॉइंट एक आपकी हेल्प करने के लिए, आपके ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि आप उसमें कौन से ऐसे विजुअल्स रख सकते हैं, कौन से ऐसी इमेजेस रख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, अ पिक्चर सेज अ 1000 वर्ड्स। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी ऑडियंस तक क्लियरली पहुंच रहा है? वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू कीप रेलेवेंट इमेजेस, रेलेवेंट विजुअल्स, दैट कैन रियली टेक योर प्रेजेंटेशन टू द नेक्स्ट लेवल। नंबर 2, आर यू किलिंग इट और आर यू किसिंग इट? नाउ बिफोर यू स्टार्ट having all those other kind of visualization, let me make it clear. What I mean by killing it is where you keep it lengthy and lacking, where you are not actually thinking about simplifying. You are putting 15 points in one slide, you are having 129 slides for a 15-minute presentation. That's where you call it killing. And what I mean by kissing, as they say, you might have heard this principle, keep it simple and silly. जब आप बहुत ही simple रखते हैं, एक slide, 15 slides 15 minutes के लिए, हर slide पे 3 points, that is the simple funda, जो कि normally बताया जाता है, not always applicable, कि per slide you spend 1 minute, हर slide पे 1 minute और हर slide में 3 से 4 points maximum हो, that is a optimal way. Not always the best one, I agree, but it's a optimal way to have slide. That can give you a reference कि अगर मेरी 1 घंटे का presentation है तो 60-70-75 slides is okay. If it is too much, अगर 200 slide है तो गड़बड़ है. If it is only 10 slides, then you have to spend 6 minutes per slide. Are you calculating the slides per minute? Number 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा important है, अगर आपको एक slide में multiple चीज़ें दिखानी है, तो are you showing everything at one point of time or are you showing one after other? मैं आपको example देता हूँ. When I talk about 4 stages of becoming confident storyteller, I don't show them all the stages at one point of time. I show them number 1 stage, when you are a forgetting speaker, when you do not remember that you have to tell stories. Then stage 2 is when you are a conscious storyteller, when you know कि आपको stories बोलनी है, आपको stories बतानी है, stories के बारे में काम करना है, that's where you become stage 2. So PowerPoint पे you see the second slide. Then I talk about the stage 3, where you are a very conscious, you are a presentable, you are a person who is practicing, that's where the stage 3. So then I saw the 3rd visual, and the stage 4 is when you become a spontaneous confident storyteller. So instead of showing everything in one slide, I show one by one by one by one, and that makes it more engaging and people anticipate ki ab next kya aane wala hai. So remember this very important word, which is called visual hierarchy. And the second thing is consistency. Agar aapke ek font ka, एक स्लाइड का फॉन्ट एरियल है, दूसरे फॉन्ट का ओसवाल्ड है, तीसरे का कुछ और है, यू नॉट बीइंग कंसिस्टेंट एंड पीपल विल सबकॉन्शियसली नॉट गिव यू द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व. सो व्हेन इट कम्स टू ब्रांडिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू नो कि मेरे ब्रांड्स के कलर्स क्या हैं, मेरे ब्रांड की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए, मेरे ब्रांड का फॉन्ट साइज क्या है, मेरे ब्रांड में कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी कलर्स है, फॉन्ट्स एटसेट्रा. जब आप एक बार ये डिफाइन करते हो, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इफ यू गेट देयर, एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हैव देयर ओन ब्रांडिंग, देन इट मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर फॉर योर ऑडियंस कि ये पर्टिकुलर ब्रांड को बिलोंग करता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट
चौथा टिप, फोर्थ टिप, वो है इंफोग्राफिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आपके सामने बहुत सारे डेटा, बहुत सारे ग्राफ रख दिए जाएं, सो मे देयर इज अ गुड चांस कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहना क्या चाहते हो, राइट। बट अगर आपको उसके जगह पे इंफोग्राफिक्स दिखाया जाए कि स्टेप वन में ये था, स्टेप टू में ये था, या इसका विजुअलाइजेशन ये है कि इससे ये निकल के आता है इन्फॉर्मेशन, ये बढ़ गया है, ये घट गया है, व्हेन यू ऐड सम इंफोग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन वर्सेस लॉट ऑफ टेक्स्ट, इट मेक्स इट मच इजियर फॉर योर ऑडियंस, एंड व्हेन इट इज मच इजियर फॉर योर ऑडियंस, इट इज अ बेटर प्रेजेंटेशन, इट्स अ रिलीफ फॉर देम। आइए बात करते हैं व्हाट इज द फिफ्थ वन। आपने देखा होगा हम जो ये वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं या कहीं पे भी प्रेजेंटेशन करते हैं, हम बहुत सारे वीडियो क्लिप्स यूज करते हैं, बहुत सारा एनिमेशन यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, अ वीडियो क्लिप हैज ऑन एन एवरेज 60-70 पिक्चर्स पर मिनट और पर सेकेंड। आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन फ्रेम, 36-60 इमेजेस पर सेकेंड। सो बेसिकली अगर आप वीडियो दिखा देते हो, इट एक्चुअली टेक्स द एंगेजमेंट टू द वेरी नेक्स्ट लेवल। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल वीडियो को प्रमोट कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में वीडियोस लेके आते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन लेके आते हैं, इट मेक्स इट सुपर इंटरेस्टिंग एंड पीपल विल लव टू हियर फ्रॉम यू। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस टिप्स। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड लास्ट टिप, द टिप अबाउट स्टोरी टेलिंग। When you tell a picture and then you tell the story about it, it makes it so sticky. I remember sometimes what I do is in my presentation, I'll put a picture and then ask everybody to start noting down what do they think about it. And then I'll pick a few people from the audience to tell the story from looking at the picture. When that happens, people are super engaged. So, jab aap bhi present kar rahe hain, instead of just telling a story, which is one of the best ways to engage, if you put a picture and then a story about that picture, or it could be your product, it could be your brand, it could be anything, it could be your journey as well. Jab aap picture dekhe and then you tell the story, then you do the storytelling, that's where it becomes really, really interesting. And satwa, and one of the good ways to keep your presentation very engaging, keep your PowerPoint also good, is using some interactive elements. Like आप polls कर सकते हो, आप quizzes कर सकते हो, आप लोगों से chat कर सकते हो. When you do that, लोगों को hand raise करने के लिए बोल सकते हो. When you do that, people are invested in you. So I hope आपको ये 7 tips बहुत पसंद आए हों. Please type करके लिखिएगा comment में कि आपको इसमें से कौन सा वाला element नहीं पता था या कौन सा वाला आपका सबसे favorite है. And as I say every time, until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Coach Aritosh Srivastava. I'll see you in the next one.